हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है। तो ये सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में। मैं प्रिया सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हमने ऑलरेडी रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा है, और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आइए इसे जरा समझते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, वहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में टू हाइड्रोजन एटम्स ने पार्टिसिपेट किया। उन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। मैं यहां पर बता दूं कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के बिल्कुल मिडिल में आते हैं। जबकि अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का केस ले, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह किसी एक एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आइए हम उसे देखते हैं कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए कि यहां पर बोल रहा है कि किसी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक एटम की तरफ ज्यादा होंगे। तो आइए इस एग्जांपल को समझते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर देखिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम यानी सॉरी H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल मिडिल में है। वो बिल्कुल दोनों हाइड्रोजन है और दोनों के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉन्ड के मिडिल में है। जबकि HCl के केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा ट्रांसफर, आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा ट्रांसफर है। तो यहां पर ये क्लोरीन की एबिलिटी है, ये क्लोरीन की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब यहां पर एक डाउट आता है बच्चों को कि जैसे हम सोडियम क्लोराइड NaCl का केस लेते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि NaCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो वो Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है, वो कंप्लीटली Na+Cl- में ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहां पर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे और Na+Cl- में वहां आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जबकि यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड, यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, यहां पर सिर्फ क्लोरीन या फ्लोरीन की एबिलिटी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो दिस, ये एक एबिलिटी है बच्चों, ये हर एक एटम की एबिलिटी है हर एक डिफरेंट कंपाउंड में। तो आइए जरा इसे समझते हैं और अच्छे से। तो बच्चों यहां देखिए, फ्लोरीन द एलिमेंट इज कंसिडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अब हम नॉर्मल ट्रेंड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कि अगर लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं लिथियम टू फ्लोरीन, तो वैल्यू इंक्रीज होती है एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। फिर बच्चों हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हम इस नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं,
फिर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस बात को अभी हम देखेंगे और समझेंगे कि हम इस यहाँ पर क्या समझ सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं क्लास। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन में के ऑक्सीजन के टू डिफरेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन एक बार ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरी तरफ फ्लोरीन में। तो देखिए हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये बात हमने समझी। हमने यहां पर वाटर का एग्जांपल लिया और H2O का स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए बच्चों यहां पर ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ आता है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ऑक्सीजन की ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने इलेक्ट्रॉन को डॉट्स दिया है वो हमने ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा दिया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे OF2 कंपाउंड की तो यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब कि ये एटम की ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की ये कंपाउंड टू कंपाउंड डिफर करती है। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक उसी तरह हमने OF2 के कंपाउंड में देखा कि यहां पर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो फ्लोरीन कर रहा है। तो यहां पर हमें समझ में आया कि ये वैल्यू यहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कंपाउंड टू कंपाउंड एटम की डिफरेंट हो सकती है। अब हम कुछ वैल्यूज को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए कि हमने कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वैल्यूज देखे, जैसे फ्लोरीन की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वो सबसे हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये बहुत जरूरी होता है। तो अब अपने लेक्चर में आगे देखते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने देखा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके वहां पर एटम कंप्लीट नेगेटिव चार्ज गेन करता है। वहां पे हमने देखा कि क्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और वहां पर वो कंप्लीटली क्लोरीन माइनस हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में यहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहां पर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर या कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर ये डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने आइसोलेटेड गैसेस एटम में देखा था जहां पर क्लोरीन का जो स्टेट था वो गैसियस था और वहां पर वो सिंगल था। यहां पर और वहां पे हमने देखा कि वहां पर क्लोरीन जो गैसियस स्टेट में था वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है और क्लोरीन माइनस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो हम उसे देख सकते हैं यहां भी। और यहां पर हमने देखा कि यहां पर किसी कंपाउंड में किसी एटम की एबिलिटी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की या अट्रैक्ट करने की, तो यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है कि यहां पे अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है।